अस्सलाम वालेकुम जी माय नेम इज़ मोहम्मद जवाद और मैं आपको पढ़ाऊँगा इंग्लिश एस तो मैं स्टार्ट करते हैं मेरे अपने इंट्रोडक्शन के साथ आई बिलोंग टू फोर्टी एट सी टी पी और टू थाउजेंड नाइनटीन में मैंने attempt दी फर्स्ट अटैम्प्ट में आई स्कोर्ड एलेवन्थ पोजिशन ऑल अक्रॉस पाकिस्तान इंग्लिश एस में आई स्कोर्ड फोर्टी सिक्स मार्क्स और डिफरेंट uh, मैथडॉलॉजीज से मैंने इंग्लिश ऐसे की प्रैक्टिस की थी और उनमें से कुछ मैंने अप्लाई की वो एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे एंड लेटर ऑन आई केप्ट ऑन टीचिंग तो वो एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे लेट्स मूव ऑन टू द मेन सब्जेक्ट विच इज़ इंग्लिश ऐसे तो सबसे पहले हम डाइसेक्ट करते हैं कि हमने इस सब्जेक्ट को किस तरह से लेके चलना है कौन कौन सी चीज़ों को देखना है इसको किन फेजेज में डिवाइड करना है और क्या सेग्रीगेशन होगी हमारी तो सबसे पहले आपको एक स्केच दे देता हूँ उस स्केच को फिर हमने फॉलो करना है थ्रू आउट द कोर्स और जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी एंड सो ऑन साथ साथ क्योंकि इसको थोड़ा रॉ फॉर्म में लेके चल रहे हैं तो जैसे जैसे कुछ पॉइंट्स माइंड uh, में आएंगे जैसे जैसे कुछ टिप्स माइंड में आएंगे वो साथ साथ एड ऑन करते जाएंगे रादर कि उसकी पहले एक लिस्ट बनाई जाए और वो लिस्ट को फिर हम टिक करें तो आई थिंक दैट बिकम्स अ लिटल बोरिंग तो सबसे पहले हम एक स्केच बना लेते हैं और उस स्केच को फिर हम फॉलो करेंगे तो इंग्लिश ऐसे में सबसे पहले जो हम देखेंगे कि इंग्लिश ऐसे है क्या ये जो इसकी हाइप है कि जी ऐसे में बड़ा एक वो बड़ी सख्त चेकिंग होती है फ़ेल बहुत करते हैं तो पहले इसको एनालाइज़ करेंगे कि क्या ये वाकई ऐसा है या ये हाइप ही है सिर्फ़ और फिर इंग्लिश ऐसे को एज़ अ सब्जेक्ट देखेंगे ये क्या है इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स क्या हैं क्योंकि अगर हमारा मकसद तो ये है कि हम एक एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं और उसको अच्छे मार्क्स के साथ फ्लाइंग कलर्स के साथ पास करें ताकि एक अल्टीमेट एंड हम अचीव कर सकें जो गोल है और उस गोल को अचीव करने का एक ऑब्जेक्टिव जो है वो इंग्लिश ऐसे है तो वो उस इंग्लिश ऐसे के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए एग्ज़ामिनर हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी का कितना क्वेश्चन है क्या क्या चीज़ें हमने जो हैं वो प्री रेकट्स हैं क्या डूज है क्या डोंट्स हैं है, वो सबसे पहले देखेंगे कि एक ब्रीफ हमें उस इस स्ट्रक्चर इस, इस का इस पूरे ओवरऑल सब्जेक्ट का पता चले कि हम पढ़ क्या रहे हैं हम क्यों पढ़ रहे हैं और ये पढ़ना हमें कैसे इफ़ेक्ट कैसे इफेक्ट करेगा कैसे फ़ायदा देगा इंग्लिश ऐसे को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है मतलब हम घर पे बैठ के क्यों नहीं कर सकते पढ़ के हमें क्या फ़ायदा होगा क्या चीज़ें एड ऑन होंगी देन विल मूव टू द कॉम्पोनेट्स ऑफ इंग्लिश ऐसे कि कॉम्पोनेंट्स क्या हैं वो एक टेक्निकल काम आ जाता है कि कंपोनेंट्स क्या आए हैं जिसमें आउटलाइन इंट्रोडक्शन बॉडी पैराग्राफ्स कंक्लूजन वही सारी चीज़ें जिसके बारे में हज़ार हा दफ़ा सुना होता है बहुत टीचर कोई डिस्कस करते हैं मुख्तलिफ मुख्तलि अंदाज के साथ उसको पढ़ाते हैं तो एक जो जो हमने एक बड़ा एक चीज़ को ले कर चलना है एक हमने उसको स्टेरिक लगा के अपने साथ थ्रू आउट द कोर्स हमने चलना है वो ये एक बात है एक सेंटेंस है कि फ्लैक्सीबिलिटी का मार्जिन बिल्कुल है डिफरेंट टेक्नीक एक्सेप्ट होती हैं ज़रूरी नहीं है कि कोई एक टीचर अगर आपको एक टेक्निक करवा रहे हैं तो उसी टेक्निक के साथ सिर्फ पास हो सकता है या उस टेक्निक के सारे लोग पास होंगे दट इस नॉट नेसेसरी हर टेक्नीक से लोग पास होते हैं मक जो असल जो अंडरलाइन बात है वो ये है कि ठीक होना चाहिए सब कुछ और एक स्ट्रक्चर में होना चाहिए खैर वो तो हम प्रैक्टिस से ले आएंगे तो सबसे पहले तो हम इसके कॉम्पोनेंट्स के बारे में देखेंगे फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके कॉम्पोनेंट्स को डायसेक्ट करेंगे यानी पहले हम कुछ पूरी अटेंशन डेडिकेटेड अटेंशन देंगे आउटलाइन की तरफ कि आउटलाइन कितनी कितने टाइप्स की होती है आउटलाइन कैसे बना सकते हैं रिसर्च कैसे करनी है जो असल बात है बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च कैसे करनी है क्योंकि जब स्टार्ट करते हैं ना इंग्लिश ऐसे उसमें कन्फ्यूजन होती है तो रिसर्च करने में आई स्टिल रिमेंबर माय ओन डेज एक पूरा पूरा दिन लग जाता है एक ऐसे की रिसर्च करने के लिए और पूरा रिसर्च करने के बाद शाम को सिर्फ एक आउटलाइन बनती है उसका पूरा ऐसे भी नहीं लिखा जाता उसके लिए एक और दिन चाहिए होता है तो इतनी स्लो पेस के साथ शुरू में काम चलता है लेकिन वही बात कि घबराना नहीं है तो रिसर्च करेंगे रिसर्च के मेथड्स देखेंगे एफिशिएंट रिसर्च करनी है हम यहाँ पे रिसर्च पेपर लिखने के लिए नहीं बैठे ना हम रिसर्चर बनने के लिए बैठे हैं हमने एक एग्ज़ाम पास करना है हमें मार्क्स चाहिए पास करना है एलोकेशन चाहिए अच्छे ग्रुप में एंड दैट्स ऑल तो अच्छे एफिशिएंट मेथड्स क्या हैं रिसर्च करने के कि जिससे कम टाइम में ज़्यादा अपनी रिक्वायर्ड रिसर्च कर लें फिर उसके बाद आउटलाइन की टाइप्स किस तरह की हैं आउटलाइन में मसले किस किस तरह के आते हैं उनको केटर किस तरह से करना है आउटलाइन के रेड फ्लैग्स क्या हैं जो एग्जामिनर है उसके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो आपका एक एक वर्ड बैठ के देखें वो एक नज़र लगाते हैं हाँ आउटलाइन को ज़रा ज़्यादा तो दी जाती है तो उसके रेड फ्लैग्स भी फिर ज़्यादा होंगे तो वो रेड फ्लैग्स कौन कौन से हैं उनको एलिमिनेट किस तरह करना है अब ऐसे नहीं हो सकता कि मैं आपको बताऊं कि जी चार रेड फ्लैग्स हैं ये पांच रेड फ्लैग्स हैं ये दस रेड फ्लैग्स हैं ये आपने नहीं करने और वो बस वैसे हो गया कि वो नहीं होंगे ऐसा नहीं होता उनको आहिस्ता 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 एलिमिनेट करना पड़ता है अपने राइटिंग से और वो एलिमिनेट किस तरह होते हैं वो प्रैक्टिस से होते हैं तो वो रेड फ्लैग्स डिस्कस करेंगे दैन विल मूव ऑन टू द इंट्रोडक्ट्री पैराग्राफ जो कि हाइप तो उसकी बहुत है लेकिन मैं ये कहूँगा कि उसमें रियलिटी भी है जो बातें हैं वो सच्ची भी हैं वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बड़ा क्रिटिकल पैराग्राफ बड़ा क्रिटिकल एक क्यों कह लें कि फेज़ होता है एक किसी भी ऐसे का जहाँ पे कोई भी एग्जामिनर अपना माइंड बना लेता है कि मैंने इस कैंडिडेट को पास करना या नहीं करना मेरी ये ओपिनियन है मेरी ये मेरा ये एनालिसिस है कि अब तक जितना भी मैंने देखा है एग्जामिनर्स का सारा सिनेरियो खुद भी कभी मुख्तलफ फोरम्स पर कभी एग्ज़ाम्स को चेक करने का मौका मिला जो चेक करते हैं उनके साथ बैठने का मौका मिला तो मेरा ख्याल मेरी ओपिनियन ये है कि आउटलाइन और इंट्रोडक्शन में एक एग्ज़ामिनर एक अपना माइंड सेट बड़ा क्लियर कर लेता है कि मैं इस कैंडिडेट को पास करने वाला हूँ या नहीं करने वाला बॉडी में वो उसको रीश्योर करता है कि क्या मेरा डिसीजन ठीक है या गलत है तो मेरा ख्याल है तो इस इंट्रोडक्शन जो है वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है बड़ी सिग्निफिकेंस है इंट्रोडक्शन की तो इसलिए इंट्रोडक्शन को हम टाइम भी उस तरह से देंगे उसके मेथड्स भी डिफरेंट देखेंगे अब इंट्रोडक्शन में मैं ये नहीं करूँगा कि आपको बताऊँ कि एक ये मेथड है इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन का ये यानी डोटल मैथड है या ये एक फना एक मेथड है और इसी से आप पास होंगे नो दैट्स नॉट राइट डिफरेंट मेथड्स को स्टडी करेंगे क्योंकि बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड्स और डाइवर्स बैकग्राउंड्स के साथ लोग आ रहे होते हैं अब हर एक का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो डिफरेंट होता है कोई कहीं से किसी ने एजुकेशन ली होती है किसी ने किसी मोड से वो लैंग्वेज सीखी होती है तो वो एक्सेप्टेबिलिटी है और हम भी उसको उसी तरह से लेके चलेंगे उस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उसको पूरा का पूरा इन्जॉय करेंगे और एक लैंग्वेज सीखने की कोशिश करेंगे ताकि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आपके आइडियाज़ एक्चुअली रिफ्लेक्ट हो सकें ये नहीं अगर मैं एक अपना माइंड चला रहा हूँ उसमें एक आइडियाज़ फ्लोट कर रहे हैं मेरा जो मेरा नॉलेज है वो उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं लेकिन वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो है वो मैंने किसी से आ, मतलब उठाया है लोन लिया हुआ है वो मेरा अपना नहीं है मतलब उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर उसकी जो लैंग्वेज उसका जो सब कुछ है वो मेरा अपना नहीं है तो मैं उन आइडियाज़ को कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा इन एन एफिशेंट वे क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं बैठा हुआ वहाँ पर एक ही चीज़ है वो मेरा एग्जाम है और एग्ज़ाम में राइटिंग है तो राइटिंग पावर राइटिंग स्किल होना बहुत ज़रूरी है तो लैंग्वेज इज़ अ ब्रिज बिटवीन अस एंड द एग्ज़ामिनर और एग्ज़ामिनर जो है वो सिर्फ एक्सेप्ट करेगा हमारी अच्छी लैंग्वेज को अच्छी कम्युनिकेशन को उसको हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में किस किस तरह से कौन कौन से मेथड्स कौन कौन सी टेक्निक्स कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं कि जहाँ पे एग्जामिनर की अटेंशन ग्रैब करें दूसरा एग्जामिनर को मतलब सिंपली इम्प्रेस कर सकें इम्प्रेस करने के लिए वी डोंट हैव टू गो एक्स्ट्रा माइल कि हम वहाँ पे बड़ी हैवी वोकेबलरीरी यूज़ करें हम कोई एक्स्ट्रा फ्रेजेस यूज़ करें कोई ऐसी बातें यूज़ करें कि बस वो बस एंड हो जाए ऐसा नहीं है मतलब बिल्कुल अच्छे अंदाज़ में इन अ डिसेंट वे अपने टॉपिक के साथ और अपने आइडियाज़ के साथ कनेक्ट करके किस तरह एग्जामिनर की अटेंशन ग्रैप कर सकते हैं एंड देन ऑफ़ कोर्स जो हमारा नॉलेज कॉन्टेंट है उसको किस तरह हम कॉम्प्रीहेंड करके उस एक पैराग्राफ में लेके आ सकते हैं तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से मूव ऑन करेंगे फिर हम बॉडी पैराग्राफ्स पे बॉडी पैराग्राफ्स सिग्निफिकेंस तो बहुत रखते हैं क्योंकि मैं, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एग्जामिनर रीअश्योर करता है अपने डिसीजन को कि क्या मैंने अपना डिसीजन ठीक लिया था या नहीं तो हो सकता है कि एग्जामिनर ने डिसीजन को जितना अच्छा ना लिया हो कुछ ठीक ना लिया हो कि वो सोच ले कि जी मैंने ये मैं इस कैंडिडेट को शायद आगे इस पार से ना जाने दूँ तो ये वो पैराग्राफ्स हैं जो हमें हेल्प आउट करेंगे कि नहीं योर डिसीजन माइट बी रॉन्ग हमें आई डिजर्व टू बी पास्ट तो ये बॉडी पैराग्राफ्स को हमने किस तरह से मैनेज करना है उसमें फिर आपको सिखाएंगे कि किस तरह से लिखा जाता है कि बॉडी पैराग्राफ के स्टेजेस क्या होती हैं कि और टाइप्स को भी देखेंगे कि कुछ बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं जिसमें जो ओपनिंग सेंटेंस से शुरू होता है यानी हम अपना जो मेन कोर कॉन्सेप्ट है वो हम ओपनिंग सेंटेंस में दे देते हैं फिर उसके सपोर्टिंग सेंटेंसेज में आते हैं फिर उसके बाद सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स में आते हैं आर्ग्यूमेंट्स में आर्ग्यूमेंट होता क्या है ये मुझे तो अपनी तैयारी में दो महीने समझ ही नहीं आई कि आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट लोग करते हैं वट वट एक्चुअली आर्ग्यूमेंट इज मतलब उसमें दे कैन बीजाम देर कैन बी एन एग्जाम्पल देर कैन बी एनी थिंग जो मैं किसी नॉलेज कोई मेरा सोर्स है वहां से कोट कर सकता हूँ रेलिवेंट एंड पिन पॉइंटेड विद माई टॉपिक तो वो भी आर्ग्यूमेंट्स को इन लाइन लेके आना देखेंगे एंड देन उसको कंक्लूड करना सो देखेंगे यानी ये हम सारा का सारा एक बॉडी पैराग्राफ बनाना सीखेंगे कि लिखा कैसे जाता है बॉडी पैराग्राफ लेट मी टेल यू इससे पहले जो आउटलाइन हम कर रहे हैं आउटलाइन बैठ के लिखेंगे एक टॉपिक डिसाइड करेंगे उसमें आप भी लिखेंगे मैं भी लिखूंगा एंड देन उसको कंपैरिजन करके देखेंगे कि आउटलाइन में हमारे फ़र्क कहाँ पे है कौन सी चीज़ बेहतर है कौन सी चीज़ इतनी बेहतर नहीं है उसको ड्रॉप कर दिया जाए इसी तरह से इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ भी पूरा पूरा बैठ के लिखेंगे हम ताकि लिखना समझ आए एक, एक एक हम सरप्राइज टॉपिक ले लेंगे कि जो मेरे लिए भी बिल्कुल नया हो उसी टॉपिक पे बैठ के यहाँ पर लिखेंगे ताकि आपको भी आइडिया हो सके कि जो पास कर लेते हैं उनके अंदर एक उनकी जो राइटिंग है उसमें और आपकी राइटिंग में क्या डिफरेंस है आपकी राइटिंग बेहतर है आपके कॉन्सेप्ट बेहतर हो सकते हैं तो उससे कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा एंड देन विल अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट ऑन द बॉडी पैराग्राफ्स एंड ऑफ कोर्स बॉडी पैराग्राफ्स लिखने के बाद हम कंक्लूड करेंगे तो इन शॉर्ट एंड इन अ शेल इंग्लिश ऐसे इज अबाउट थ्री थिंग्स दिस इज गोइंग टू बी द पंच लाइन इंग्लिश ऐसे इज अबाउट थ्री थिंग्स टेल दैम वॉट यू वॉन्ट टू टेल दैम देन टेल दैम एंड देन टेल दैम वॉट यू टोल्ड दैम इंग्लिश ऐसे यही स्टोरी है तो so इसी को हम लेके मजीद चलेंगे